का मंगल हो, नमस्कार। इसी कड़ी में तीसरी वीडियो ये है, जो बच्चे बेटा हो बेटी हो, जो आपको शुरू से दिखते बड़ा डोमिनेटिंग नेचर का, दबंग टाइप का, मतलब एक प्रकार का, और सबको दाब बना के चलता है, स्कूल टाइम से समझ में लगता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है ना, तब किशोर अवस्था से कहिए आप, किशोर अवस्था से जब और आगे बढ़ना शुरू होता है तब, तो उसी समय उसको आपको एक एक प्रकार का उसको अच्छे से समझाना चाहिए, उसको बार बार टोकना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के वो हर चीज़ में क्या कहते हैं, आपके अंदर, आप चाहे बड़े लोग बात कर रहे हो, हर चीज़ में मतलब वो अपनी अपनी बात रखता हो, हर चीज़ में टांग अड़ा के चलता हो, कुल मिला के कहने करते एक ही बात होती है, तो उससे क्या होता है, दो आप बड़े व्यक्ति बात कर तो भी वो बातों को सुनेगा, करेगा, बैठेगा, अपनी राय देगा। अब सवाल इस बात का, चाहे पढ़ाई में ब्रिलियंट है लेकिन उसका अनुभव तो नहीं है, एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, तो फिर तब तो आप उसको बेटा जी बेटी जी कर करके हर चीज़ पूछते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उससे क्या हो गया, उसके हाव भाव खुल गए और वो आप लोगों को भी कुछ नहीं समझता। ज्यों ज्यों बड़ा होता है आप पर पूरा दबाव बनाता चलेगा, और बड़े छोटे जो भी बहन भाई हैं उन पर भी दबाव बनाता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी और वो नौजवान हो जाएगा पूर्णतया, या अपने काम पर लग जाएगा, तब आपकी आत्मा रोज़ आपके कहते रोएगी, क्योंकि वो पूरा एक टेरर सा बन जाता है एक प्रकार। मैंने बहुत घर ऐसे देखे जहाँ पे एक ही बेट मतलब किसी बेटा या बेटी का उसका पूरा दबाव बन जाता है, और जरा भी कुछ कहो तो फिर ज़ोर से चिल्लाना, बड़बड़ाना, बम्बास्टिक टोन, बड़ा भारी दिक्कत वाला काम है। लेकिन ये हमारी ही क्या कहते हैं लापरवाही, ममता में लापरवाही, या कैज हल्के में लेना, ममता में हल्के में लेना, यूँ समझ लीजिए। तो उस कारण से ये सब है, पहले से हम उसको अच्छे ढंग से समझाते करते, दबाव बनाते, टोका जो भी कुछ कहो, जैसे भी एक मनोवैज्ञानिक ढंग से, तो इतना तो नहीं होता, कम से कम मंगल काम है, नमस्कार।